हाई एवरीवान वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड गाइज आज की वीडियो होने वाली है अमेजॉन वुलनन वेयर जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके अंदर कुर्तीज़ कुर्ता सेट्स जिसमें कश्मीरी वर्क होता है वो भी हैं वूलन वाले भी हैं इसके अंदर श्रक्स भी हैं कार्डिगन्स भी हैं सो so, बहुत सारी वैरायटी मैंने पिक की है ऐसी है जो अपने सूट साड़ी एंड वेस्टर्न वेयर सभी के साथ कैरी कर सकते हैं सो so, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है सो so इसे मिस मत करना पूरा देखना एंड आज की वीडियो से कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है एंड आप परचेज करना चाहते हैं सो so, परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप उन उनपे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं एंड गाइज एमेजोन पे नाइनटीन नवम्बर से एमेजन ब्यूटी सेल भी स्टार्ट हो चुकी है सो so, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है ब्यूटी सेक्शन से सो so वो भी आप बाय कर सकते हैं अब चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप मेरे शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो नाउ लेट्स के स्टार्टड सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो एक ऐसे प्रोडक्ट से जो हाईली रिक्वेस्टेड है ना सिर्फ सर्दियों में गर्मियों में भी आप इतना कमेंट करते हैं कि एक बढ़िया सा अच्छा सा स्रग उल्टा बोल दिया एक बढ़िया सा अच्छा सा श्रग आप हमारे साथ शेयर कीजिए सो गाइज ये जो ब्लैक कलर का श्रग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना इसे आप बेझिझक खरीद सकते हैं इतना बढ़िया क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है मुझे सच में इतनी ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जैसे ही मैंने इसे पहना ना हाथ इसके अंदर डाला ना मुझे इतना ज्यादा सॉफ्ट लगा कि मैंने झट से इसका टैग देखा देन मुझे कन्फर्म हो गया कि क्यों ये इतना बढ़िया और सॉफ्ट है क्योंकि ये लीवर सर्टिफाइड फैब्रिक से बना हुआ है जो कि हाई क्वालिटी यू नो फैब्रिक का सर्टिफिकेशन होता है सो गाइज अगर आपको एक बढ़िया जो सिंथेटिक फैब्रिक है ना वो वाला नहीं चाहिए बढ़िया अच्छा कंफर्टेबल, जो ब्रीदेबल फैब्रिक में हो ऐसा श्रग चाहिए ना तो इसे आप पिक कर सकते हैं फिटिंग भी बहुत अच्छी है लुक भी बहुत अच्छा है ऐसा है जो अभी की जो सर्दियां हैं ना जो आपके स्लीवलेस कुर्ताज है जैसे मैंने जो स्टाइल करके दिखाया कुर्ता के साथ वो स्लीवलेस कुर्ता है मेरा सो so, मुझे इस मौसम में अगर वो स्लीवलेस कुर्ता पहना तो कैसे पहनूंगी शर्क के साथ जब ज़्यादा ठंडी आएगी तो डेफ़िनेटली आपको वूलन वाले चाहिए बट गर्मियों में धूप से बचने के लिए या फिर इस तरह की ठंड में ना इस तरह के श्रग बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं जो भी आपकी ऐसी ड्रेसेस है ना स्ट्रैपी टॉप है जो जो आप किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए ख़रीदते हैं वेकेशन के लिए ख़रीदते हैं बट रेगुलर उन्हें नहीं पहन पाते उनके ऊपर आप ये डाल लीजिए और फिर वो आसानी से आप रेगुलर डेज में भी कैरी कर सकते हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में बोल दिया ये स्मॉल साइज़ में मैंने लिया है जो मुझे परफेक्ट फिट दे रहा इस है इसमें दो पॉकेट्स भी हैं लेंथ आपको स्लीव्स की फुल मिलेगी और बहुत ही सुपर सॉफ्ट फैब्रिक में बहुत बढ़िया मुझे लगा सो श्रक जिसे चाहिए ना ये ब्लैक कलर का लेने ले ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा साड़ी सूट ड्रेसेस किसी के साथ भी पहन लेना ठीक है नाउ जो नेक्स्ट पीस भी है ना ये भी मुझे बहुत ही प्यारा रिसीव हुआ एक्चुअली पिक्चर में बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे लगा पता नहीं कैसा आएगा प्राइस पॉइंट वगैरह मैंने इसके देखा एक्चुअली वूलन कपड़े ना कंपैरेटिवली जो आपके समर वाले कपड़े होते हैं ना उससे महंगे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर काम और फैब्रिक ऐसा ही होता है क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है गर्म रहना भी बहुत ज़रूरी है ना आप इस कुर्ते को देखिए इतना प्यारा है ये कुर्ता इसका जो फैब्रिक है ना आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कॉटन है बट ये वूल फैब्रिक में है बिल्कुल थिक वाला नहीं है पतला है बट गरम है मतलब बहुत ही बढ़िया है ये नवंबर और दिसंबर जो स्टार्टिंग वाली है ना उसमें और जब ज़्यादा ठंडी आ जाएगी तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर पहन लो इसके नीचे लेयरिंग कर लो लेयरिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है बहुत दो तीन वीडियोस में मैं बोल चुके हूँ अभी तक सो इनर लेयर के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में रिकमेंडेशन देख लीजिए अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ पर भी इस वीडियो में भी डाल दूंगी रिकमेंडेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बट ये वाला कुर्ता डेफिनेटली आप पिक कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर इसके अंदर कश्मीरी वर्क हो रखा है नेक पे रेशम के धागे से है बहुत ही बढ़िया कढ़ाई है ये कोई भी धागा इधर उधर नहीं मिलेगा दिन स्लीव्स पर भी, भी इतना अच्छा काम है इसके अंदर मैंने मरून कलर का पिक किया पता नहीं कि मेरी नजर जाती है मरून कलर पर ही सो so, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इसे पिक कर लिया इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे एंड अगर आप कुर्ता डालते हो ना सर्दियों में इसे जीन्स के साथ डाल लो इसे वार्मर जो लेगिंग आती है ना वूलन वाली उसके साथ डाल लो और बहुत बढ़िया काम देगा साइज़ बता देती हूँ मैं मीडियम साइज़ में, में लिया है मुझे बढ़िया फिट लग रहा है इसका इसका ब्रांड है एस डब्ल्यू आई लेबल ठीक है ये इस तरह का है टैग बैग बढ़िया लगा सो हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको ये कुर्ता विंटर्स के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं बात कर रही थी कि किस लेगिंग के साथ वूलन लैगिंग के साथ आप इसे कैरी कर लो तो मुझे भी लगा कि मैं एक वूलन लैगिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या तो जीन्स हम कैरी कर सकते हैं बट जहाँ पर जीन्स नहीं कैरी कर सकते वहाँ पर क्या तो इस तरह की गरम जो आपकी लैगिंग होती है ना वो आप ले लो और ये ब्लैक कलर में लिए ताकि सबसे ज़्यादा यूज़ हो पाएगी एंड ये आप देख सकते हैं इस तरह का थिक फैब्रिक है अंदर से फ्लीस वाला नहीं है वो भी है मेरे पास ऑलरेडी मैंने अभी निकाला नहीं है सो वो फ्लीस वाला मेरे पास था तो मैंने इस तरह का मंगवाया मैं दोनों की रिकमेंडेशन आपको यू नो लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप दोनों ही ले सकते हैं दोनों ही अमेजॉन पर अवेलेबल हैं इसकी लेंथ वेंथ सब बढ़िया है इसका साइज़ मैं बताऊँ आपको या आई थिंक फ्री साइज़ में आया है मुझे एक्चुअली गर्मियों में मैं ट्राई ऑन कर रही हूँ ना तो मुझे तो बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे गर्म है सो so डेफिनेटली आप ये लेगिंग भी कैरी कर सकते हो बहुत सारे आपके जो वूलन कुर्ता है ना उसके साथ ये पेयर हो जाएगी मरून के साथ हो गई अभी मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ जो मैंने ये ब्लैक कलर का लिया है सो so, इसके नीचे भी पेयर हो जाएगी एंड ये वूलन वाला जो ऊन का बना होता है ना वो है बहुत सुंदर पीस है गाइस आप देख सकते हैं फ्रंट में पूरे पे आपको ये ऐसे फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं और ये पूरा मतलब प्रिंटेड विंटेड नहीं है ऑब्वियसली ये निटिंग के अंदर ही है एंड कंफर्टेबल लगा मुझे बिल्कुल भी नहीं चुपता एंड बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी इसे पहनने के बाद ब्लैक कलर में है ना इसका साइज़ वगैरह मुझे इसमें दिख नहीं रहा है बट आई थिंक मैंने मीडियम साइज़ ही लिया है स्लीव्स में इसमें थोड़ा फ्लेयर है आपको इसके अंदर पॉकेट भी मिल जाएगी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और देखिए पैनल पे ये फ्लावर्स ज़्यादा बने हुए हैं पीछे से पूरा प्लेन है ये कुर्ता भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था कॉलर वॉलर है तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी तो so, बहुत ही बढ़िया वाली ठंडी है ना उसमें भी आप सर्वाइव कर सकते हैं इसके बदौलत बहुत बड़ा वर्ड हो गया ना इसके सहारे ठीक है ब्लैक कलर है सो बिल्कुल क्लासी लगता है मुझे ऐसे वाले वूलन नहीं अच्छे लगते जिसमें दस तरह के कलर हों और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल से हों सो मैंने ऐसे पिक किया जो मुझे सबसे ज़्यादा डिसेंट एंड ऐसे लगे जो मैं वर्क प्लेस पर भी कैरी कर सकती हूँ कहीं पर भी जाऊँ तो भी सो ये पीस हाईली रिकमेंडेड है बहुत ही सुंदर लगा मुझे कुर्ता सेट्स मैंने और भी लिए हैं उससे पहले मैं आपके साथ एक ये पीस शेयर करना चाहूँगी इसको क्या बोलते हैं काफ्तान टाइप है एक्चुअली ये बट ये वूलन में है सो so, ऐसा पीस है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टाइलिश लुक भी आपको देगा आप साड़ी के साथ इसे कैरी कर सकते हैं सूट के साथ कैरी कर सकते हैं या फिर वेस्टर्न वेयर के साथ तो डेफिनेटली आप इसे कैरी कर सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक है गर्म रखेगा ये एंड ऐसा होता है ना कि आपने अंदर पहन लिया पतला सा कुछ स्कीवी टाइप या कुछ भी लेकिन आपको चाहिए कि शॉल टाइप कुछ चाहिए जिसमें आप हाथ ऐसे दबा सकें होता है ना हाथों को बड़ा होता है कि अगर कुछ चीज़ कवर करने को मिल जाए तो शॉल वगैरह डालना इतना एलिगेंट नहीं लगता डाल सकते हैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं नहीं डालना चाहिए बट आपको ज़्यादा यू नो ड्रेपिंग व्रेपिंग और इस तरह में इशू होता है सो तो ये आप ले लीजिए पता है क्या बिल्कुल काफ्तान की तरह स्टिचिंग है इसमें साइड्स में एंड यहाँ पर ये इस तरह से निकली हुई है टेस्टल्स बोलेंगे क्या है जो भी और गला इसमें बोट शेप हो जाएगा एंड काफ़ी बढ़िया लुक इसके अंदर आएगा सो so, ये वाला पीस आप पिक कर सकते हैं एटलीस्ट एक इस तरह का पीस आपके पास होना चाहिए जो कि आपको जब लगे ना कि इसके साथ मैं क्या पहनूं सो so, ऐसा पीस है जो हर किसी पीस के साथ ऐड होएगा तो उसके अंदर एक थोड़ा सा स्टाइलिश एलिमेंट ऐड हो जाएगा साड़ी के साथ भी डाल लो सूट के साथ भी डाल लो एवरी डे में पहनने के लिए या फिर आप वेकेशन पे जा रहे हैं कहीं पे भी ठंडी जगह पे भी जा रहे हैं तो आप इसे कैरी कर सकते हैं एंड दिस इज़ सो सॉफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा यू नो ऐसे कोजी वाली फीलिंग आती है कलर ऑप्शंस शायद आपको और भी मिल जाएंगे मैंने इस तरह का कलर पिक किया है नाउ नेक्स्ट पीस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना ये ऐसा है जो लोग बोलते हैं कि हम साड़ी के साथ क्या पहने हमें नहीं पता या फिर सूट्स के साथ क्या पहने टिपिकली लाइक देखो वूलन है ज़्यादातर आपके वेस्टर्न के साथ तो चले ही जाते हैं ज़्यादा इशू नहीं होता कोई भी जैकेट हो वो भी चली जाएगी बट सूट एंड साड़ी के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सो उसके लिए मैंने ऐसे ये लॉन्ग स्वेटर या फिर ये ब्लेजर का लुक भी दे रही है ये पिक किया है दैट टू इन ब्लैक कलर जो सबसे ज्यादा यूज़ हो पाएगा आपको ज़्यादा मिक्स मैच करने का सोचना नहीं पड़ेगा मे बी आपको कलर ऑप्शन और भी मिल जाएंगे मैं लिंक जो दे रही हूँ उसे आप चेकआउट कर लेना बट ब्लैक कलर का डेफिनेटली आप ये पिक कर सकते हैं ये लॉन्ग में है गर्म रखेगा आपको साथ में यू कैन सी कि फ्रंट में आपको कितना अच्छा इस तरह का ये यू नो वीविंग पैटर्न मिल रहा है कॉलर वाला है बटन आप खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं साड़ी के साथ भी जैसा आप चाहें उस तरीके से पल्लू वगैरह बाहर या अंदर की तरफ वैसे कर सकते हैं फुल स्लीव्स हैं ऑब्वियसली सो बढ़िया ऑप्शन है ये आप इसे ज़रूर से अपने कलेक्शन में ऐड कीजिए क्योंकि ब्लैक कलर तो वैसे ही होना ही चाहिए आपके पास एंड ये श्रक वाला लुक भी देता है कोट वाला ब्लेजर वाला या फिर क्या कहते हैं कार्डिगन वाला सारे तरह के लुक आपको मिलते हैं लेंथ भी बढ़िया है सो so, इस तरह से लंबा कोई कार्डिगन आपको चाहिए तो ये वाला ज़रूर से आप पिक कर सकते हैं एंड ये मैंने ई e वूल से लिया है मीडियम साइज का नाउ जो नेक्स्ट टू पीस कुर्ता सेट है ये भी गरम है और ये स्वेड मटेरियल में है जिस तरह की मेरे पास एक स्कर्ट थी सो फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का कुर्ता सेट देख रही हूँ इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा कलर आपको और भी मिल जाएंगे इसके अंदर ऐसे स्टोन वर्क किया हुआ है फ्रंट में इसके अंदर मुझे ना फिटिंग ज़्यादा लग रही है ये फिटेड है तो इसमें मुझे साइज अप करना चाहिए था मैंने मीडियम साइज़ मंगवाया तो मुझे इसके अंदर लार्ज पे जाना चाहिए था अदरवाइज जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से भी और बाहर से भी सो so यू कैन सी इस तरह का है जैसा स्वेड मटेरियल आपने देखा होगा बिल्कुल वही है स्लीव्स पे एंड फ्रंट पे आपको ये पूरा स्टोन वर्क मिल जाएगा लेंथ आप देखेंगे ना तो इसकी बहुत ज़्यादा यू नो छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है नी के आसपास मुझे आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक इसका आ रहा है इसके साथ इस तरह की पैंट्स आती हैं गाइस ये जो पैंट्स हैं ना ये बिल्कुल जॉगर जैसी हैं सो so आप इन्हें टी शर्ट्स वगैरह के साथ भी एज ए जॉगर की तरह पहन सकते हैं उसके अंदर एक पॉकेट भी मिल जाएगी दोनों तरफ से ये इलास्टिकेटेड है एंड काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर्ड इसके अंदर लुक आता है लेंथ वगैरह आप देख सकते हैं तो so, जब मैं इसे पहन भी थी तो मुझे लगा कि हाँ इसको मैं अपनी टी शर्ट के साथ हुडीज वगैरह के साथ भी पहन सकती हूँ कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है इसका और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है एंड गर्म भी काफ़ी ज़्यादा है सो so, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं मैंने आपको कश्मीरी जो वूल फैब्रिक आता है उसमें भी दिखा दिया देन वूलन के अंदर भी जो ऊन से बनते हैं देन ये स्वेड मटीरियल में सो आई थिंक जितने ऑप्शन होते हैं सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए नाउ जो लास्ट पीस है ये ग्रे कलर के अंदर है एंड ये भी टू पीस सेट है मुझे इस तरह के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो सेम यू नो मोनोक्रोमेटिक लुक दें रादर देन बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो सो यस सी ये वाला पीस भी आप कैरी कर सकते हैं बहुत सही रहेगा गरम भी रखेगा और साथ में लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है इसका मैं पहले आपको टॉप दिखाती हूँ सो so, ये अच्छी वाली जो ठंड होती है ना उनमें काम देगा तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी और ऑब्वियसली जहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर जैकेट डाल सकते हैं वार्मर डाल सकते हैं फ्रंट पे आपको ये वीविंग पैटर्न भी मिल जाएगा साथ में इसमें स्टोन्स वगैरह भी लगे हुए हैं एंड इसके अंदर साइज़ वगैरह एक्चुअली बहुत ही क्लियरली साइज़ किसी में नहीं लिखा हुआ बट मैंने मीडियम साइज़ में मंगवाए हैं ये और मीडियम में मुझे ये लूज़ फिट ही दे रहा है ताकि मैं इसके अंदर अंदर की तरफ भी लेयरिंग कर सकूँ सो so, बहुत ज़्यादा फिटेड तो सही नहीं रहेंगे इसके अंदर पॉकेट मिल जाएगी एक देन साइड स्लेट है स्ट्रेट में है ये और इसके साथ जो बॉटम आता है थोड़ा सा फ्लेयर में है और नीचे आपका वीविंग पैटर्न अलग है ऊपर अलग है दोनों तरफ से इलास्टिकेटेड है हैवी है कि मेरी सांस फूल गई है इनको उठाते उठाते सो so, येस yes, आपकी अच्छी खासी ठंडियाँ इसके अंदर निकल जाएगी कलर ऑप्शन आपको और भी मिल जाएंगे मैंने थोड़े से ऐसे कलर पिक किए हैं जो सिंपल एंड सोबर लग विंटर्स में ना मिक्स मैच करने में बहुत इशू होता है सो so, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पीसेस मत लेना जो बहुत अलग 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 कलर के हों फिर आप उन्हें किसी दूसरे चीज़ के साथ पेयर नहीं कर पाएंगे एंड स्वेटर्स ऑब्वियसली हमें किसी न किसी सूट के साथ या साड़ी के साथ जीन्स के साथ पेयर करनी होती है तो एटलीस्ट वो ऐसी होनी चाहिए न्यूट्रल टोन्स में या ऐसे कलर में सो सबसे ज़्यादा पेयर हो जाए सो गाइज़ ये था वुलन वेयर कलेक्शन फ्रॉम एमेज़ॉन आई होप आपको ये पीसेज अच्छे लगे आने वाली वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हो मुझे ज़रूर से बताइएगा अकॉर्डिंगली मैं आगे की वीडियोज़ प्लान करूंगी और ये वीडियो तो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर सच मोर वीडियोस एंड कोई भी चीज आपको अच्छी लगी है उसको परचेज करना है तो परचेजिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिए हैं आप चेकआउट कर लेना एंड मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय बाय